हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर एलईडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी हम देखेंगे इसमें कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर पे चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर एलटीडी कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो है 1986 में कंपनी स्टार्ट गई थी। बेसिकली यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, मेन यहाँ पे कंपनी पेपर ट्रेडिंग का काम करती है। अगर आप और कंपनी के प्रोफाइल की बात करो तो कंपनी अच्छी खासी है एक लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे। एंड वही अगर यहाँ पे कंपनी के हम प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करती है, लाइक इट मीन्स नॉट अ पेपर ट्रेडिंग, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पे क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है, किसमें? वुड पल्प में, पेपर में एंड वेस्ट पेपर मार्केट में। अगर वही कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात की जाए, कंपनी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो वुड पल्प एंड पेपर का है। यहाँ पे ओवरऑल लेके तो कंपनी वाइड रेंज में लाइक वुड पल्प लाइक प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स में। कुछ प्रोडक्ट्स के अगर आपको नेम बताओ जैसे कि मेलामाइन है एंड यहाँ पे हाइजीनिक प्रोडक्ट है, फिल्टर पेपर है, इंसुलेटिंग पेपर्स है, ब्रॉड है, मेनी अदर एप्लीकेशंस ये कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स है, किसमें? वुड पल्प में। बाकी इसके अपार्ट कंपनी और भी पल्प में काम करती है, जहाँ पे कंपनी ऑल्सो ऑफर पेपर फॉर दी स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन, जैसे कि राइटिंग के लिए, प्रिंटिंग पेपर के लिए, स्टैक क्लिप बैक, क्राफ्ट पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट के लिए भी कंपनी का इस पर काम करती है, जो के लिए कंपनी है पेपर्स प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी के डेटा। यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात की जाए, 35 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। स्टॉक पे कंपनी के देखिए 5.27 का दिया हुआ, इंडस्ट्री पे देखें 10.9 का। स्टॉक क्या भी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि करंट प्राइस देखिए 89 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक कंपनी का। अगर आप प्रॉफिट ऑफ नंबर देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 28% दिया है, रिटर्न इक्विटी कितना 20%, जो कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के अच्छे खासे दिए हुए हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए 17 रुपये, जो कि एज कंपेयर करें यहाँ पे लाइक करंट प्राइस के साथ 17 रुपये का पर शेयर के पीछे मिल, अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको होल्डिंग करते हो अच्छा खासा आपको उसमें रिटर्न मिल जाएगा। एक और चीज, कंपनी का डेब्ट ना के बराबर है, 2.09 करोड़ का कंपनी डेब्ट है। ऑलमोस्ट कंपनी ने डेब्ट काफी हद तक रिड्यूस भी किया हुआ है। प्लेस परसेंटेज नहीं दिया, प्रमोटिंग होल्डिंग 47.6% दिया, जो कि एवरेज प्रमोटिंग होल्डिंग है। बुक वैल्यू देखिए 93.2 का रुपीज़ का दिया हुआ है, टोटल 60 रुपीज़ का दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखिए 99 तक गया था, लो देखे 63 तक। लगभग अगर ये 91 के आसपास ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये 100 तक क्रॉस कर सकता है शेयर। ये डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी 1.9% का डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया, यहाँ पे इंडस्ट्री भी देखिए 10.9 दिया है। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 24% का कंपनी हमें रिटर्न्स दिया। ओवरऑल ये कंपनी अगर आप लाइक शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्डिंग कर रहे हो तो आपको लाइक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी कंपनी को होल्डिंग करना चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्डिंग करोगे, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बाकी कंपनी के यहाँ पे पीए कंपेरिजन की बात करें, धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर कंपनी कंपेरिजन अदर भी कंपनी है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं एंड इनमें से बहुत सी कंपनीज का मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे धन लक्ष्मी रोटो कंपनी की बात करें, अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करिए। डिविडेंड वाइज जहाँ पे जाना चाहें तो ये कंपनी 12.88% का लाइक 12.88% का डिविडेंड प्रोवाइड करिए, करंट प्राइस 194 है। इसमें भी लाइक आप इन्वेस्टमेंट सकते हैं। हमें बहुत सी नंबर्स ऑफ कंपनीज दी जो एक लोएस्ट प्राइस में मिल रही है। बिफोर दैट किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो आप कंपनी के डेटा बक प्लस टेक्निकल वाइज देख के ही आप उसमें शेयर में लाइक आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी कंपनी क्वार्टर्स की बात करें धन लक्ष्मी की, यहाँ पे सेल्स ऑफ नंबर देखिए क्वार्टर्स में सेप्टेम्बर से लेकर मार्च तक सेल्स ऑफ नंबर अभी धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। अभी कितना हुआ, 49.92 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस 47.44 करोड़ का। अदर इनकम यहाँ पे कंपनी के देखिए अभी इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से 2.11 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2 गुना बढ़ा है। ओवरऑल देखे 3.08 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है। ईयरली वाइज यहाँ पे देखिए कंपेयर कर 22 और 23 का। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा हम 12 से लेके अगर 23 तक का पकड़े ईयरली वाइज परफॉर्मेंस,
तो सेल्स जो सबसे ज्यादा वो 2023 में कितना 2001 करोड़ का, एक्सपेंसेस भी सबसे ज्यादा 197 करोड़ का, अदर इनकम भी देखिए 8 करोड़ का दिया हुआ है यहाँ पे कंपनी का, नेट प्रॉफिट भी देखे तो 7 करोड़ का दिया है, जो कि 22 और 23 में ओवरऑल नंबर्स ऑफ प्रॉफिट लाइक इक्वल सी है ईयरली वाइज यहाँ पे देखे तो। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें सो नंबर्स ऑफ सेल्स यहाँ पे देखे तो लाइक सॉरी रेवेन्यू यहाँ पे देखे तो इंक्रीज होते हुए दिखे हमको लगातार, एंड प्लस प्रॉफिट्स ऑफ नंबर भी हमने इंक्रीज हुए यहाँ पे लिटिल बिट, थोड़ा बहुत नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कम बट ओवरऑल के सेम ही है नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के कितना 664 करोड़ का। बाकी शेयर होल्डिंग पाने की बात करें 22 और 23 का प्रमोटिंग शेयरिंग 47.64% का दिया, जो कि ओवरऑल 20 से देखिए तो अभी तक का सेम ही है। डीआई शेयरिंग 0.01% का, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग 52.36% का दिया, जो कि देखा तो शेयर होल्डिंग कंपनी का एवरेज में दिया हुआ है। धनलक्ष्मी रोटर स्पिनर कंपनी की बात करें 10 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस 89.9 पे क्लोज हुआ, 4% मीन 4% अब था शेयर प्राइस, और यहाँ पे शेयर ने काफी मोमेंटम दिया तो शेयर प्राइस एक ऐसे जगह पे अगर आप वीकली वाइज कैंडल देखें तो जहाँ से ये शेयर के ऊपर अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सो अराउंड अगर आपको शेयर बाइंग करना रहेगा तो 91.98 के आसपास एंट्री कीजिएगा, टारगेट 100 का रखिएगा अगर आप लाइक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो, बाकी अगर आप हो चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे सो 300 तक इसके जाने के चांसेस हैं। बाकी आपको सपोर्ट आपको 81.82 का आपको सपोर्ट लेके चलना, बिकॉज अगर 81.82 का सपोर्ट तोड़ा सो लास्ट लगभग आप पकड़ ले 65 से 60 तक इसके जाने के चांसेस हैं। बाकी किसी भी कंपनी में अगर आप लाइक इन्वेस्टमेंट करके रखे या फिर आपको लग रहा है कि लाइक इसमें लॉसेस हो सकते हैं तो हो सके तो कंपनी के नेम मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, सो मैं जरूर नेक्स्ट टाइम से फंडामेंटल का एनालिसिस कर लूंगी एंड आपको इस पर सजेशन भी दूंगी। बाकी ये स्टॉक में आप लाइक शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।